हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी दुआ। और आज जो है ना, बहुत टाइम बाद मैंने सोचा, हम लोग जा रहे थे मार्केट, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। थोड़ा काम था मार्केट से, तो बुक्स लेनी थी, तो मार्केट जा रहे हैं, एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। तो पूरा देखें, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम लोग रास्ते में आए, और रास्ता जो है ना काफ़ी लंबा था, तो रास्ते में आगे चल के मुलाकात होती है। तब तक जब लोग रास्ते एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर जी हम लोग ना पहुँच गए मार्केट, ये है उर्दू बाज़ार की मार्केट। यहाँ पर ना सब कुछ, मतलब जर्नल वगैरह आसानी से मिल जाए। यार ना इतनी मोटी बुक, इतनी काबिल कब से हो गई, इतनी खतरनाक बुक। अकाउंट्स पल्ले भी नहीं पड़ता मेरे, या खुदा इतनी मोटी। 500 सही है, बुक होगी भी सिर्फ 3 महीने में खत्म कर महीने आप तो और कम कर रहे हैं, 6 महीने का है हमारा। अच्छा, नहीं, मैंने कुछ नहीं आ रहा इसमें से। बिजनेस मैन तू देखो, पापा पागल हो जाते हैं इनको देख देख के, मुझे हॉट हो रही है, कैसे खत्म होगी। चल पहला, मेरा कभी ड्रीम था कि मेरे रूम में से बुक शेल्फ हो, बस ये तो बुक ले ली थी। हाँ बस मिली नहीं कहीं, अपनी दुकान का गार्ड रखा होगा, गार्डन का कम नहीं करेंगे कुछ। ये लोकल छपी हुई है, ओरिजिनल छपी है, ओरिजिनल उसमें कितनी महंगी होती है। ओरिजिनल खाली ये पढ़ने की 4,500-5,000 रुपये, और खावे कौन लेके जाएगा। जी उस शॉप से फ्री हो गया, अब हम आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर सारे जर्नल वगैरह हैं, कॉपीज़ हैं, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ से कुछ बुक्स कॉपीज़ लेनी थी। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। जी ये इसके बराबर, इस स्टॉल के बराबर में ये छोटे से स्टॉल है, यहाँ पर मार्कर वगैरह की चीज़ें और जैसे स्टेशनरी वगैरह। और अभी तो हम लोग सिर्फ 2 बुक्स वगैरह लेने आए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना, तो यहाँ से लाजमी अपना आर्ट की चीज़ें लेके जाऊँगी, क्योंकि मैंने आर्ट की शॉप भी देखी थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की वहाँ पर चीज़ें थी। कल बैग में रख लिया था और वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ अभी, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, हम लोगों ने 2 जर्नल्स वगैरह लिए थे। और से आपको कोई भी स्टेशनरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजली मिल जाएंगी और बहुत अच्छी मिल जाएंगी रीजनेबल प्राइस में। ये ना स्टार्टिंग पे जब हम लोग इंटर होते हैं ना, ये उसी का रोड है, इंटर होते हुए सामने वाले रोड जो आ रहे हो एंट्रेंस का रोड। बाज़ार को यही उर्दू बाज़ार इन्हीं चीज़ों के लिए मशहूर है ज़्यादातर, मतलब यहाँ पर आराम से चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं, लाइक स्टेशनरी की या फिर कोई फाइल्स वगैरह हो, ऑफिस की चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। यहाँ जी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। और टाइम था सुबह का जब हम लोग निकले, और अभी जो है ना वो आई थिंक 11 बजने वाले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा घूमेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो अभी हम लोग ना यहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, और ये सब ज़्यादातर ना वही शॉप्स हैं जो उसकी नहीं होती हैं, बुक्स वगैरह की और कुरान मजीद की, और ये सारी पोएम्स वगैरह बुक्स हैं, और ये डायरीज़ हैं, तो ये वो वाली शॉप्स हैं सारी। यहाँ पर ना बच्चों की ड्राइंग बुक्स वगैरह और ये स्टिकर्स, पेंसिल्स, पेंसिल कलर्स सब कुछ लगे हुए हैं। और ना ये गली है, यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, क्योंकि उर्दू बाज़ार में तो यही चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पर भी यही चीज़ें।
अगर आप लोगों को रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें चाहिए ना स्टेशनरी की, तो यहाँ से आराम से मिल जाएंगी। तो मैंने रोक रोक के पूछा ज़रूर था हर शॉप पे, लेकिन ना बस मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपने भी मज़े ले रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ना अच्छे अच्छे रजिस्टर्स आपको मिल जाएंगे, लाइक कॉपीज़ वगैरह बच्चों के स्कूल में चाहिए होती हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे उर्दू बाज़ार में, फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसी शॉपिंग करने, लाइक बुक्स लेनी थी दो मेरी फ्रेंड को, तो उसके सिलसिले में हम लोग उर्दू बाज़ार आए हैं। यहाँ पे ना अगर आप एक आर्टिस्ट हैं ना, मतलब अगर आपको ड्राइंग्स वगैरह का शौक़ है और मतलब आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें चाहिए, तो मैंने पहले बहुत दराज पे सर्चिंग की और उसके बाद जब मैंने वहाँ जाके प्राइजेस वगैरह देखे ना, आप लोग ट्रस्ट करेंगे 12 कैनवस मतलब 10x12 के आई थिंक कैनवस थे, और वो कैनवस आई थिंक 1000 रुपीज़ के मिल रहे थे यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारे रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे चीज़ें हैं, ब्रशेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे प्राइजेस में था। यहाँ पर पाउचेस वगैरह हैं और बैग्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर बुक्स के स्टॉल हैं। मैंने ना बहुत सर्चिंग की है, बहुत ज़्यादा मतलब हर वेबसाइट वगैरह पे मैंने देखा है कैनवासेस वगैरह, पेंटिंग लाइक एक्रेलिक्स वगैरह, मुझे इतने रीज़नेबल प्राइस में कहीं वहाँ से नहीं मिले। एक बार मैं लाजमी नए यहाँ से शॉपिंग करने आऊँगी, अपनी सारी आर्ट का सामान लेके जाऊँगी। और अब ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बहुत अजीब ही कोई हालत हो गई है, तो अब घर के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ना जूस पी लेते हैं। गर्मियों में नींबू पानी की तो बात ही अलग होती है ना, मतलब एंड यार अगर आपने ये नहीं पिया बाहर निकल के तो और फिर क्या पिया। तो अभी हम लोग नींबू पानी पी रहे हैं और इसके बाद हम लोग ना अब निकलेंगे घर के लिए। निकलते हुए गली की वीडियो नहीं बनाई, मैं डायरेक्ट रोड पे आ गई हूँ और अब मुझे याद आया कि मैं व्लॉग भी शूट करी थी, तो मैंने रोड की ही वीडियो बनाई डायरेक्ट। तो अब हम वेट कर रहे हैं अपनी सवारी का। मैं अभी कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद ना ज़रूर यहाँ पे गेन आऊँगी अपनी आर्ट की चीज़ें लेने, तो उसका भी प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। आज तो मैं खैर इतना जल्दी जल्दी मैं नहीं बना पाई, लेकिन ना मतलब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रॉपर हर शॉप का व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना हम लोग घर के लिए निकलते हैं क्योंकि गर्मी की इंतहा है, और बस क्या बताऊँ मैं। और अब ना हम लोगों का घर आने वाला, मुझे ये ब्रिज बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इस पे से चलने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा खैर तो ना घर आने वाला है अब, और अब हम लोग घर जाएंगे। तो व्लॉग आप लोगों ने देखा है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को लाजमी, लाइक कर दें, और ना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें फॉर मोर डिटेल्स और एनी क्वेश्चन वगैरह, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें मुझे। अभी हम लोग घर के लिए चल रहे हैं और यहाँ से ना गाड़ियाँ जाती हुई मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। वैसे ना इस ब्रिज पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन अगर गंदगी ना हो ना तो ऊपर जाके आप गाड़ियों वगैरह देखो ना तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जो उतरते ही ना यहाँ से ये सारी चीज़ें लाइक गोलेगंडे वाला और ये और वो ना, ये लोग सब यहाँ पे हैं, कपड़े वाले भी हैं, खरबूजे वाले भी हैं, सब हैं, तो ये वो वाला इलाका है। तो यहाँ पर ना अब रेल की पटरी है, यहाँ ये क्रॉस करके हमें ना हमारी दूसरी सवारी मिल जाएगी। कपड़े वगैरह लगे हुए हैं और ये देखें आप लोग के सारे कपड़े लगे हुए हैं। आया पीछे करने के जूस वाला था, तो हम लोग फिर पीछे आ गए और जूस लेने खड़े हो गए, क्योंकि ना जूस देख के कुछ हो जाता है, गर्मी और जूसेस ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। भैया बना रहे हैं हमारा जूस करने का। वो जूस पी लिए, अगली सवारी में बैठ गए हैं जो कि घर तक की सवारी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें और ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, सही है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ मैं आ गई हूँ घर, तो
اپنا خیال رکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹاٹا.